इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर पर सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया था। आदरणीय सभापति जी, सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारना में संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया है। आदरणीय सभापति जी, और इसी कारण से बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया और बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका। ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द है। अनुसूचित जातियों की उपेक्षा, इसने बाबा साहब अंबेडकर को आक्रोशित कर दिया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आदरणीय सभापति जी, पहले षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया। आदरणीय सभापति जी, हराया इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के इस पराजय की उसका जश्न मनाया, खुशी मनाई और खुशी उन्होंने व्यक्त की। आदरणीय सभापति जी, एक पत्र में ये लिखित है, इस खुशी का आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया। इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम जी का
पीएम बनने की संभावना थी। इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बने।